If L1, M1, N1 and L2, M2, N2 be the direction cosines of the two lines, then direction ratios of the line perpendicular to each, इन दोनों पे perpendicular चाहिए. तो सिंपल सी बात है, देखो ये direction cosines दे रखे हैं और ये direction ratios दे रखे हैं. तो अगर हम देखें ऐसे तो A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये जीरो होना चाहिए. सिंपल सी बात नहीं है यार, A1 A2 B1 B2 C1 C2 भी जीरो हो जाएगा. बट यहाँ तो डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं और यहाँ डायरेक्शन रेशोस दे रखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इन्हें और इन्हें मल्टीप्लाई करने पे भी जीरो आ जाना चाहिए. ठीक है, देखो इस केस में तो जीरो बनेगा नहीं क्योंकि कहीं माइनस है ही नहीं. अब देखते हैं, इसमें देखते हैं L1 स्क्वायर बन गया है ना, और कहीं L1 स्क्वायर बनेगा नहीं तो ये भी नहीं होगा. अब इसमें चेक करते हैं, इसी वजह से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा L1 M1 N2 पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का L1 M2 N1. अब M1 को मल्टीप्लाई करते हैं M1 N1 L2 माइनस का M1 N2 L1 प्लस का N1 L1 M2 माइनस का N1 L2 M1. देखना है जीरो बन रहा है. L1 M1 N2 L1 M1 N2 माइनस का L1 ये जीरो बन गया ना. ठीक है, ऐसे इस वाले केस में जीरो बन जाएगा. तो यही इसका ऑप्शन है. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ना हमेशा इसी तरीके से ट्राई करना. बुक में जो दे रखे थे ना तरीके कि इसके डायरेक्शन को साइंस लिख लो या इक्वेशन लिख लो, वो ना ठीक है एग्ज़ाम्स में अगर कर रहे हो तो, बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह में कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज ये तो सबसे बेस्ट तरीका होता है. एन एंगल बिटवीन टू डायगनल्स ऑफ ए क्यूब, यार ये क्वेश्चन ना याद रखने का, किसी भी क्यूब के डायगनल्स में जो एंगल होता है वो हमेशा कितना, तो कॉस इनवर्स 1/3 ही होता है. इसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं. जो मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज़ बनाई उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं बहुत सारे, तुम लोगों ने पढ़े नहीं है, उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लो एक बार. ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं. तो एंगल बिटवीन डायगनल ऑफ ए क्यूब इज कॉस इनवर्स 1/3. ठीक है,